ज्ञानेश्वरी महाथेरो के ड्रैगन पैलेस टेम्पल में आगमन पर उपासक उपासिकाओं द्वारा फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। भंते डॉक्टर ज्ञानेश्वरी महाथेरो ने ड्रैगन पैलेस टेम्पल स्थित तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने वंदना की। कामठी के ड्रैगन पैलेस को डॉक्टर ज्ञानेश्वरी महाथेरो ने सदिच्छा भेंट दी। इस वक्त भंते बोधिमित्र महास्थवीर, भंते खेमासारा महाथेरो, भंते ज्योति, भंते मेथानंद आदि भिक्षु संघ उपस्थित थे। ड्रैगन पैलेस टेम्पल की प्रमुख सुलेखा कुंभारे ने भंते डॉक्टर ज्ञानेश्वरी महाथेरो व भिक्षु संघ का पुष्पगुच्छ व चीवर दान देकर स्वागत किया। पश्चात प्रमुख भिक्षु संघ की उपस्थिति में त्रिशरण पंचशील लिया गया। भारत में तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्त व निर्वाणस्थ हुए, इसलिए भारत बुद्ध भूमि होकर सबके लिए पवित्र स्थान है। कई बार भारत आए, पहली बार महाराष्ट्र में आने के बाद शनिवार को दीक्षा भूमि और रविवार को ड्रैगन पैलेस टेम्पल में भेंट देने का मौका मिला। ड्रैगन पैलेस टेम्पल ये शांति, मैत्री व मानव कल्याणकारी विचार का प्रतीक होने का विचार भंते डॉक्टर ज्ञानेश्वरी महाथेरो ने व्यक्त किया। इस अवसर बड़ी संख्या में उपासक उपासिकाएं उपस्थित थे। कामठी येथील विश्वविख्यात ड्रैगन पैलेस टेम्पल मध्ये बांग्लादेश चे पूज्य भंते जी डॉक्टर ज्ञानेश्वर महाथेरो हे या ठिकाणी उपस्थित झाले आणि धम्म देशना दिलेली आहे। मला असं वाटते की आज परत विश्वविख्यात ड्रैगन पैलेस हे पावन झालेला आहे। 98 वर्षाचे पूज्य भंते जी हे 13वे संघराजा असून बांग्लादेशमध्ये यांचं खूप मोठं असं विहार आहे आणि त्या विहारामध्ये लाखोच्या संख्येने बौद्ध बांधव जगातून येत असतात। त्यामुळे आज या ठिकाणी त्यांनी धम्मदेशना दिली आणि मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी उपासक उपासिकांनी त्याचा लाभ घेतलेला आहे आणि भंतेजींच्या आशीर्वादाने ड्रॅगन पॅलेस परत विश्वविख्यातमध्ये फक्त प्रसिद्धच होणार नाही पण शांती, मैत्री व मानव कल्याणकारी विचाराचं केंद्र म्हणून हे जग प्रसिद्ध होईल असा माझा विश्वास आहे। VKB न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट।